सहगन रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं हरे राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता हरे विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमात् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमात् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः सजुगं वरं वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं स्तं सरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवि देवे दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समंत विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्य ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबधे पादाम्बुजायते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरिअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे दावनल सम संसार दहने दखनी उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी दाने जने बंदे गुरु शरणा कमला
दिन में दो दो घंटा पूरा धूप में बैठ कर धाम तो तादी ना कर ताकत है ही तादी तब तो सीखा था ना देर में अच्छा तरह से होता ये वो प्रैक्टिस की कमी नहीं है ये है ना जो इन्होंने ताल सीखी है ये हमेशा वो ताल बजाने की कोशिश करते हैं पर वो ताल से नहीं बनेगा ये इसके साथ मिलाना पड़ेगा जो इन्होंने सीखा ना ठीक है ना लेकिन वो बजाते हैं सीखना पड़ेगा वो नहीं बजाना जब ताल बजते हैं ताल के साथ मिलाना आप वो बजाते हो जो सिखाया आपने लेकिन ताल के साथ में वृंदावन Thank you.
माइक ले लो, इस पर में लेकर तुम लोग गाओ। हाँ तुम धरो। Come on.
1, 2, 6
राधे जयो जयो माधव दयिते जय Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
जय श्री गुरु। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय वहीं पर रखो राधिका। आज तुम लोग सब बोलोगे राधिकाय यदुस्तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भय पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जैसे वो करताल को रखा है ना हमारे राहुल, जैसे करताल को ना, करताल कौन सख्यात बलदेव प्रभु, मृदंग कौन है ये बलदेव प्रभु, इसलिए उसको ऐसे फेंक करके नहीं, जैसे बलदेव प्रभु थोड़े ऐसे फेंक दोगे उनको शरीर भी लगेगा, इसलिए जब रखना धीरे करके रखना चाहिए आस्ते करके। हाँ सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा निधलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग ने पहले श्रवण किया था मैत्रेय और विदुर का मिलन है, मैत्रेय और विदुर का मिलन है, क्योंकि भगवान ने मैत्रेय को कहा था मेरा और भी एक भक्त है विदुर है, तुमने ये जितने सारे ज्ञान को तुमने ये विदुर को प्रदान करना। इसलिए हम लोगों ने पहले सारे बात सुने थे, जब यहाँ पर मैत्रेय विदुर का प्रश्न उनको मिलन होता है उसी समय में अभी श्री श्री विदुर जी इसलिए विदुर जी मैत्रेय के पास भी जाते हैं और विदुर जी मैत्रेय को प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है। बोले सुखाय कर्मणि करोति लोके न तै सुखवान दुपार रंभुवा बिंदते भूयस्तुत एव दुखम जदत्र मुक्तुक्तम भगवान बदेम। यहाँ पर कह रहे हैं अभी श्री विदुर जी सोच रहे हैं, क्योंकि मैत्रेय जी को भगवान खुद बोले थे मैंने जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ ये ज्ञान तुमने मेरे एक भक्त विदुर को देना, इसलिए विदुर जी सोच रहे हैं ठाकुर तो उनको स्वयं बोले ज्ञान देने के लिए, इसलिए मैं स्वयं नहीं पूछूंगा, मैं उनको स्वयं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ठाकुर का आदेश है उनको मेरे को ये ज्ञान देने के लिए, इसलिए वो स्वयं मेरे को ये ज्ञान स्वयं बताए, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा नहीं, वो स्वयं मेरे को ठाकुर का आदेश को पालन करते हुए जैसे मेरे को ये ज्ञान बताए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लोग जो कर्म करते हैं किसके लिए कर्म करते हैं, सुखाय कर्मणि करत लोके, संसार में हम देखना जो कुछ करते हैं हमें कैसे सुख मिले, सारे काम का एक ही लक्ष्य जीवन में हमें सुख कैसे मिले, जीवन में शांति कैसे मिले, लेकिन करते तो जीवन में सुख के लिए, लेकिन न तो सुख बाद दोपहर होगा लेकिन सुख नहीं मिलता है, सुख जीव को शाश्वत सुख नहीं मिलता है, सोचता है हैं शायद सुख मिले लेकिन शाश्वत सुख उसको नहीं मिलता है, फिर क्या मिलता है बोले सुख का परिवर्तन में दुख मिलता है। हम सोचते हैं बेटे को जन्म दे देंगे, पढ़ाई लिखाई कर देंगे, नौकरी चाकरी दिला देंगे, बस बेटा बड़ा हो जाएगा शादीशुदा दे देंगे फ्री हो जाएंगे, लेकिन घर में कभी कभी ऐसे बहू आ गई इतना दिन से पिताजी पढ़ाया लिखाया बड़ा किया
लेकिन एक रात में ऐसे मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, बेटा और बात नहीं सुनता है, हैं? अभी बात सुनता है छोटी मैया की बात सुनता है अभी, और हमारी बात, और घर में लड़ाई झगड़ा अशांति, बेटे बेटे में लड़ाई हो गया, फिर बहू सास में लड़ाई हो जाती है, फिर सास ससुर में लड़ाई हो जाती है, फिर तो इतने करता है सुख के लिए, लेकिन वो सुख नहीं मिल करके क्या मिलता है उसको, बोले दुख उसको मिलता है, उसको सुख उसको कोई भी संसार में कोई भी चीज को उसको सुख मिलता नहीं, बोले क्यों नहीं मिलता है, कारण क्या सुख नहीं मिलेगा, ये कारण क्या है, बोले जहाँ से वो सुख पाना चाहते हैं वो अनित्य वस्तु से, वो अनित्य वस्तु, इसलिए अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, सुख तो चाहता है सुख तो ढूंढता है, लेकिन जहाँ ढूंढने चाहिए ना वह नहीं ढूंढ करके वो अनित्य वस्तु में सुख ढूंढ रहा है, शायद दुनिया करके संसार रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार शायद इस स्वयं तो नश्वर है नष्ट वस्तु, वो तुमको सुख कैसे देगा, उसको सुख नहीं मिलता है, बल्कि वहां से तुमको दुख ही उसको मिलता है, इसलिए कहते हैं बिंदत भी वस्तु तेव दुख, जो अत्यंत की जो सुख है, सुख तो मिलता है ऐसे नहीं सुख मिल नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी समय के लिए अगर सुख मिलता है फिर वो सुख कहीं चले जाता है, लेकिन जो अत्यंत जो सुख है, जो सुख पाने से जीव को हर समय के लिए वो सुखी सुखी हो जाए, वो चीज उसको नहीं मिलता है, हैं? इसलिए कहते हैं प्रभु जतत्र युक्तम भगवान वदयम, इसलिए आप कृपा करके ये बताइए हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करने से वास्तव सुख हमें प्राप्त होगा, क्योंकि आप सर्वज्ञ इसी संसार में आप सब जानते हो, उनका ये एक प्रश्न है। दूसरा है भगवान क्यों अवतार लेते हैं, ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न भगवान क्यों जगत में अवतार लेते हैं, और जो तीसरा है प्रभु का जो दिव्य चरित्र है, प्रभु का तीसरा प्रश्न प्रभु का दिव्य चरित्र हमें श्रवण करायो, हैं? ये इसको सुन करके श्री मैत्रेय कहते हैं, बोले विदुर तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम कौन हो, कहते तुम सख्या धर्मराज, कहती है मांडव्य ऋषि के अभिशाप से तुमको ये विदुर बन करके आए, है मांडव ऋषि की अभिशाप से तुमने विदुर बन करके आए, इसलिए तुम कोई साधारण नहीं, पहले मैं बताया था ना, इसलिए ये मांडव ऋषि ने क्या किया था, बचपन में किसी फड़ंगी जो छोटे 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 फड़ी उठते हैं ना, पकड़ कर उसको पूछ में एक कांटा घुसा करके उन्होंने निकाल दिया था, है कांटा घुसा करके, इस समय कहीं चोरी हुआ तो कुछ लोग को भागे पकड़ने के लिए चोरों को, लेकिन चोरों ने क्या किया, कुछ माल पत्र को उन्होंने इनके आश्रम को पीछे रख करके और कहीं छुप गए, अभी सब लोग उसको राजदूत ढूंढ रहे थे कहाँ गए चोर, देखा वो सारे सामान रखा हुआ ये मांडव ऋषि को पीछे, और ये भजन कर रहे थे, बोले बाबा ढोंगर चारे हो, चोरी करके ले आया और आँख बंद करके बैठ गए और पीछे सारे माल को रख दिया तुमने, उसको ले गए, बोले महाराज जी ये चोर है, बोले सुली में बैठा दो, पहले क्या होता था ऐसे ना मोटा होकर के ऐसे जाकर पतले जगह एकदम पतले नोकीन हो जाते, उसको ऊपर बैठा दो ना सीधा पीछे से जाकर के आर पार हो जाता था, और ऐसे तड़फड़ाते हुए लोग मरते थे, हैं ऐसे ऐसे सजा थी राजा में, लेकिन जब उसको वहाँ बैठा दिया ना, लेकिन इन्हें तो चोरी नहीं किया, चोर तो दूसरा है, ये तो सचमुच से भजन करने वाले, और उसको नौकीने के ऊपर बैठा दिया, वहीं पर बैठ रह गए और नीचे नहीं आ रहे थे, राजा बोले ये क्या हो रहा है, वो जहाँ के था जहाँ करके बोले महाराज वो ऋषि को बैठा दियो तो वहीं पर बैठे हुए है, वो तो नीचे उतर नहीं रहे, बोले ये लगता है ये निर्दोषी, बोले जल्दी जल्दी उसको निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, और जल्दी जल्दी निकाले, इन्होंने राजा कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जो सजा होता है ना ऊपर से होता है, सब जब महाराज से सब होता है, वहीं पर हमारे सारे कर्म लिखा हुआ, वो कर्म के अनुरूप वहीं से सजा मिलता है, उसने राजा को उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, सीधा जम महाराज के पास में गए, बोले मेरे को ये दंड क्यों भोगना पड़ा, तब उन्होंने बोले देखो आप जो छोटे बच्चे थे ना आप ये कर्म किया था, एक फड़ंगी पकड़े जो उड़ते हैं तितला जो उड़ते हैं और उसको पीछे एक कांटा घुसाए और निकाल दिया था, इसलिए आपको भी बैठा करके निकाल दिया गया, इतने में उनको तो बड़ा क्रोध आया, बोले यहाँ बैठी बैठी करके सजा दे रहे हो ना,
हैं, तुमको पता ही नहीं मरते जगत में क्या होता है, क्या स्थिति है, लोग कैसे अपना जीविका गुजारते हैं, अपना जीवन को तुमको यहाँ बैठे बैठे करके केवल सजा मिलने का तुमको दायित्व दिया गया। जा, मेरे को अभिशाप देता हूँ, 100 साल के लिए मरते जगत में जा और दुनिया को देख क्या होता नहीं होता, जब देखोगे तुमको तो फिर पता चलेगा। इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिया धर्मराजा को, धर्मराजा को अभिशाप दिया तो फिर उन्होंने श्री विदुर बन करके आए। इसलिए हर समय धर्म का पक्ष लेते, पांडवों का हर समय ही पांडवों का पक्ष लिया करते थे, अधर्म का कभी पक्ष उन्होंने नहीं लिया। इसलिए उन्होंने पांडवों का पक्ष देने का वजह से उनको लास्ट में मंत्री पद भी चला गया, क्योंकि पांडवों का पक्ष देते रहे। इसलिए एक दिन दुर्योधन ने इतने गाली किया, बोले जिसके थाला में खाते हो उसमें छेद करना आता है तुमको, है उसमें छेद कर रहे हो, खा रहे हमारे और पांडवों का पक्ष दे रहे हो, हैं? अगर अगर हमारे चाचा नहीं होते ना तो गला काट देता। तो उसे भर्त्सना किया उसने, इसको सुन करके सारे राज पोशाक पोशाक उन्होंने उतार करके दे दिया। बोले भैया हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ प्रभु का भजन के लिए जा रहा हूँ, भक्ति के लिए जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री मैत्रेय कहते, बोले विदुर जी तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम साक्षात धर्म का स्वरूप तुम हो। इसलिए कहते अभी प्रश्न है, फिर भगवान ये संसार में दुख क्यों भर दिया, प्रश्न होता है ना संसार में, ये नहीं, ये तो प्रश्न हो गया। अभी प्रश्न होता है इस संसार में, लोग तो सुख चाहते हैं लेकिन सुख नहीं मिलकर दुख मिलता, प्रश्न है फिर भगवान को ये दुख देने का क्या जरूरत था। कहते इसलिए जरूरत था, अगर दुख देते हैं फिर हम सुख ढूंढते हैं, जब सुख ढूंढते हैं लेकिन कहाँ सुख, संसार में सुख ढूंढते नहीं मिलता है, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ, बोले अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए सुख मिलेगा ब्रह्मों के पास में, ब्रह्म मतलब है जो आनंद स्वरूप दूसरों को आनंद दे सकता है, जो बड़े ही दूसरों को बड़ा बना सकता है, जो सुख स्वरूप दूसरों को सुख दे सकता है, हैं? इसलिए ये ब्रह्म। इसलिए जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हीं की चरण में ही अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, ठाकुर का चरण में ही अशोक अभय और अमृत है। इसलिए दुख दिए क्योंकि जी फिर सुख के लिए कोशिश करेगा, जब सुख के लिए कोशिश करेगा सुख तो केवल ठाकुर के चरण में मिलेगा, और तो कहीं ये सुख मिलने वाले नहीं। फिर लास्ट में जा करके जब ठाकुर के शरण में जाते हैं फिर जीव को परम शांति परम आनंद प्राप्त होता है। इसलिए ठाकुर जी जान बूझ करके उन्होंने सुख दिया। इसलिए माया जितने पिटाई करती है जीव का कल्याण के लिए, अगर पिटाई नहीं करेगा तो जीव संसार में ही मजगूल हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा, फिर सुख के लिए जीव कोशिश नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने संसार में इतने दुख को भर दिया। तब अभी यहाँ पर वर्णन आता है, सृष्टि तत्व का वर्णन आता है। कहते जो सृष्टि है उसको लिखो, कहते जो सृष्टि है तीन तरह का सृष्टि है। कितने तरह का सृष्टि? तीन तरह का। बोले पहला सृष्टि क्या है? कहते मन से, ये पहला सृष्टि है मन से। कहते दूसरा जो सृष्टि कैसे? बोले इच्छा से, दूसरा सृष्टि इच्छा से। बोले जो तीसरा सृष्टि कैसे? बोले शरीर से, देह से, दैहिक सृष्टि है। इसलिए सृष्टि तीन तरह का सृष्टि है। इसलिए पहला सृष्टि मन से। इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा ने, यहीं से लिखो, सर्वप्रथम ब्रह्मा क्या सृष्टि किया है? बोले तम मोह, तम मोह, फिर महामोह, तामिश्र, अज्ञान वृत्ति, अज्ञान वृत्ति। कहते सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को जो भगवान ने आदेश दिया सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी ये सब सृष्टि किए, लेकिन ये सब तो ब्रह्मा सृष्टि किया लेकिन उनको शांति नहीं मिला, उनको शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिला तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, बोले प्रभु मेरे को आदेश दिया, इसको तो मैं सृष्टि किया, मेरी शांति नहीं मिल रही, तो ठाकुर को ध्यान किया, मेरी शांति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने जब ध्यान किया फिर तो उन्हें ध्यान का प्रभाव से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को जो सृष्टि कर दिए चतुसन को उन्होंने सृष्टि किया। जब उन्हें चतुसन को सृष्टि किया, लेकिन ये चतुसन भगवान का आदेश है ब्रह्मा जी को, ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ, हैं क्रम को बढ़ाओ। जब उन्हें चतुसन की सृष्टि किया, लेकिन ये चतुसन क्या है? ये वासुदेव परायण है, ये भगवत परायण, चतुसन ये भगवान की भक्ति करने वाले, ये सब के सब प्रभु की भजन करने वाले।
भगवत प्राण है। इसलिए जब उन्होंने बोले भगवान ने आदेश दिया सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, इन्होंने मना कर दिया। बोले हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, घर गृहस्थ बड़ा दुख में है, ये घर गृहस्थी बड़ा दुख में, इस घर हम घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते प्रभु क्या भजन में करे मस्त रहे, कोई दुनिया की हैं रमते जोगी बहते बाणी, हम इस चक्कर में फंसना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने देखा ये सृष्टि का पहला है, भगवान ने बोले सबको सृष्टि करो, लेकिन पहला संतान हुए, लेकिन यही हमारे आदेश को पालन नहीं करते हैं। इतने में क्या हुआ, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कहते इसी समय में उनका जो भ्रुरु, इनका दोनों का जो बीच से भ्रुरु का बीच से मध्य स्थान से कहते नील रोहितकार एक पुरुष सृष्टि हुआ। उनको भ्रुरु की दोनों बीच से एक नील रोहितकार एक पुरुष सृष्टि हुआ, उन्होंने रोदन किया है, हैं रोदन किया है, इनका नाम रोदन से पड़ गया रुद्र, इनको रोदन से रुद्र पड़ा। इसलिए तब उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछे मेरे स्थान क्या बताओ, और मेरा नाम क्या, मेरा स्थान क्या। बोले नाम तो तेरा रुद्र है, बोले स्थान क्या है तुम्हारी, बोले इनका 10 नाम युक्त है। कहते इनकी ब्रह्मा जी कभी तो 11 रुद्र का नाम सुनने पड़ता है, कहते आपका 10 नाम युक्त है, इसलिए कहते रुद्राणी अंबिका प्रभुति आपका स्त्री होएंगे, रुद्राणी और अंबिका तुम्हारी स्त्री होएंगे। तब उनको आदेश दिया, बोले काम किया, बोले सृष्टि करो, भगवान का निर्देश तुम सृष्टि करो। जब उन्हें सृष्टि के लिए आदेश दिया तब उन्होंने क्या सृष्टि किया, असंख्य जो जगत को ग्रास करने वाले, उन्हें रुद्र भूत पिशाच रुद्र को प्रकट किया, जैसे संसार को ग्रास करने वाले भूत पिशाच उन्हें रुद्र को सृष्टि किया। जब प्रकट किया इतने में ब्रह्मा तो देख करके बोले ये क्या सृष्टि कर रहा है, ये तो दुनिया को नाश कर देंगे। बोले ये कोई सृष्टि है भैया, बंद कर, जरूरत नहीं, ऐसे सृष्टि की जरूरत नहीं। इतने में हाँ सृष्टि करता आदेश, तब शंकर जी ने अच्छा हो गया, कहाँ मेरे को संसार में फंसा रहे थे हम, तो शंकर जी हर समय देखना एकदम ध्यान में प्रभु को चिंतन में बैठे रहते हैं। कहते मैं तो यही चाह रहा था भैया, हम भी ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे थे प्रभु का भजन करें आनंद में रहे, क्यों ये संसार में फंसा रहे ब्रह्मा जी। इसलिए फिर जब उन्होंने किए, फिर ब्रह्मा जी इस फिर उन्होंने तपस्या में बैठे हैं, क्योंकि दो सृष्टि किया दो जो दोनों ही सृष्टि का कोई काम नहीं हुआ, फिर उन्होंने तपस्या में बैठे, तपस्या में बैठ करके फिर उन्होंने भगवान फिर सृष्टि के आदेश दिया। तो उन्होंने क्या सृष्टि किया, कहते उन्होंने 10 पुत्र उन्होंने सृष्टि किया। देखो इस श्लोक को लिख लो क्या है, कहते मरीचि, बाद में अच्छे तरह से लिख लेना, मरीचि अत्रि अंगिरसौ, मरीचि रत्र अंगिरसौ पुलस्त पुलह क्रतु, लिखा लिख लिया ना, मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त पुलह क्रतु भृगु, ये श्लोक याद कर लेना, फिर इनका 10 नाम याद, भृगु वशिष्ठ दक्षश्च, भृगु वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारद, दशम जो बेतरा है ये श्री नारद जी हुए हैं। अभी ब्रह्म ये तो सृष्टि हो गए, अभी ब्रह्मा की अंग से क्या क्या प्रकट हुए हैं, कहते ब्रह्मा की अंग विभिन्न अंग से हैं विभिन्न सृष्टि हुआ। कहते उनका पृष्ठ देश से कहते अधर्म, ब्रह्मा का पृष्ठ से अधर्म, क्रा और काम क्रोध आदि जितने अधर्म किया, काम क्रोध लोभ मोह ये सब के सब ये अनर्थ ब्रह्मा की पीठ से प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा की छाया से कहते ये कर्दम ऋषि सृष्टि हुए, यानी कथा आगे आएगी, कर्दम ऋषि सृष्टि हुए, और इनकी वाणी से कहते श्री एक कन्या सृष्टि हुई है, जो कन्या सृष्टि हुई ब्रह्म कन्या सृष्टि हुई ब्रह्मा जिस कन्या को देख करके आसक्त हो गए, सरस्वती जी सृष्टि हुए जिनको देख करके ब्रह्मा स्वयं आसक्ति हो गए। फिर आसक्ति होने पर
कहते फिर उनको जो उनका जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे मरीचि आदि संतान, ये मरीचि आदि जो प्रकट हुए इतने में कही आता ना, मरीचियों ने जब देखा ब्रह्मा जी अपना बेटी के प्रति आसक्ति वगैरह भागे, इतने में वो बेटी हिरण बन गई, फिर ब्रह्मा हिरण बन गए। उसी समय मरीचि आदि उन लोगों ने क्या हुआ, मरीचि आदि उनको देख करके उन्होंने हंसे हंसे तो ब्रह्मा जी उनको अभिशाप दिया, अपना पिताजी के हाथ में तीन जन्म तक तुम मर करके तुमको मुक्ति मिलेगी। शिक्षा देते हैं महत्पुरुषों का कोई भी क्रिया को देख करके हमें हंसनी नहीं चाहिए, कोई महत्पुरुष हो उनका क्रिया को देख करके हमें हंसी उड़ानी नहीं चाहिए, नहीं तो दुर्गति प्राप्त होगी। इसलिए फिर पुत्र ग्रहण उनको प्रबोध प्रदान किया, ब्रह्मा लज्जित हुए, ब्रह्मा जी दुखित तो हुए, मैं अपना बेटी के प्रति आसक्ति हो गया, ब्रह्मा जी फिर शरीर छोड़े, ब्रह्मा जी ने फिर अपना ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं, छोड़ करके फिर दो बार उन्होंने दीक्ष सकलता देह धारण कर लो। हाँ इसलिए कहते ब्रह्मा, फिर उन्होंने ब्रह्मा शरीर छोड़कर फिर ब्रह्मा रूप में जन्म लेते हैं, कहते उनके चार मुंह से ये जो चार वेद निकला, चार मुंह से चार वेद प्रकट हुआ, दोबारा जन्म कैसे हो गए इनका? हाँ इसलिए कहते फिर उन्होंने धर्म का चार वेद मतलब धर्म का चार पाद है धर्म का, फिर उनको जितना आश्रम है जितने वर्ण और आश्रम चार वर्ण और चार आश्रम को उन्होंने प्रकट किए, कहते फिर उन्होंने पंचम वेद इतिहास पुराण को प्रकट किए, ब्रह्मा जी पंचम वेद इतिहास पुराण को, फिर कुटीचक बहुतक हंस परमहंस, कुटीचक बहुतक हंस परमहंस उन्होंने इसको सृष्टि किया। अभी इसको सृष्टि करके फिर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि के चिंतन कर रहे, जब चिंतन कर रहे थे कहते ब्रह्मा का मूर्ति दो अंश में विभक्त हुआ, जो ब्रह्मा जी थे उनका मूर्ति दो अंश से विभक्त हुआ, विभक्त होने पर कहते उनको दाहिनी अंग से कहते मनुष्य प्रकट हुए और बाम अंग से श्री शत्रुपा जी प्रकट हुए। जब यही से फिर है जो मैथुन, पहले तो उन्होंने मन से इच्छा और मन से सृष्टि किया, लेकिन जो मैथुन सृष्टि जो पति पत्नी मिलन से जो सृष्टि हुई यहीं से सृष्टि हुई, जिसमें मैथुन सृष्टि हुई फिर वहां से मनु महाराज से दो पुत्र हुए और उनका तीन बेटी हुई। दो पुत्र में कौन है, एक प्रियव्रत और एक उत्थान पाप, और तीन बेटी कौन हुए, आकृति देवति और प्रसूति, इन लोगों ने जन्म हुए। और ये तीन कन्या की शादी किसको किसको साथ में हुए लिख लो, देवती को साथ में तो कर्दम ऋषि की शादी हुई, फिर प्रसूति को साथ में दक्ष प्रजापति, आगे जिनकी कथा आएगी दक्ष प्रजापति की सृष्टि हुई, और फिर आकृति को साथ में रुचि है रुचि ऋषि को साथ में ये आकृति की शादी हुई, फिर रुचि ऋषि, हाँ रुचि ऋषि को साथ में आकृति की शादी हुई, फिर तो यहीं से जब पति पत्नी जो मिलन है जो शुक्र जन्म हुई यहीं से सृष्टि, फिर इसी से ही धीरे धीरे संसार भर गया, यहीं से ही फिर संसार धीरे 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 हम लोग ने सब के सब हम लोग ने आए और आकर के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे, ये सृष्टि का रुचि ऋषि प्रसूति से दक्ष प्रजापति और देवहूति से कर्दम ऋषि और इनसे प्रियव्रत उत्तम पाद से इनकी शादी, हाँ इनका कथा है ना, अच्छा ध्रुव महाराज जाएंगे फिर उत्तम पाद की ध्रुव उत्तम पाद से होगा, इसलिए हाँ गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। अभी मैंने सुना दिया, अभी आप लोग सुनाओगे, आप लोग सुनाओ हरे कृष्णा, इसको कौन बोलेगा बोलो, हाथ उठाओ सबसे पहले कौन बोलेगा, पहले से ना ठीक है बोलो, ये पहले से ये कैसे वो पर जो तीन जो श्लोक है ना जन्मादश श्लोक फिर धर्म प्रजित और निगम कल्पतरु, ये श्लोक ऊपर बोल सकते हो, एक दिन मैं बैठा करके तुम लोगों को ये जो जन्मादश श्लोक ऐसे दो तरह का अर्थ है, कैसे एक तो कृष्ण पर अर्थ और एक श्री राधा पर अर्थ।